हर डिस्ट्रिक्ट के बिहार में सरकारी कॉलेज है, लेकिन बिहार का खुद का बच्चा, बिहार का ही बच्चा उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो रैंक का लेवल हम लोगों ने देखा है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन का जो स्तर यहाँ पे है, जिस तरीके से बहुत अच्छी कोचिंग्स नहीं है यहाँ पे। बिहार के बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि बिहार में कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी नहीं है। तो एक लाइन में अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। इंजीनियरिंग वर्ड उन्होंने एक रट लिया है, एक पैकेज होता है, एक प्लेसमेंट होता है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कोर्स है, पर उसको करने का एक पर्पज़ होना चाहिए, एक मोटिव। जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा आईआईटी के अंदर, वो भागलपुर वाले प्रोवाइड ही नहीं कर। बिहार का बच्चा अगर 300 नंबर के एग्जाम में 50 नंबर लाता है तो उसको शायद कोई स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर मणिपुर का बच्चा या इम्फाल का बच्चा 300 में 50 नंबर लेके आता है तो उसको टॉप का आईआईटी अपने स्टेट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में कुछ भी सपना रखना काफ़ी कठिन है क्योंकि वहाँ तक मुकाम पाना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो सफल भी आते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि हम अच्छा कॉलेज कैसे पाएँ। वहाँ पर वो आके फंस जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आप बिहार का कॉलेज पाना चाहेंगे तो वो लोग सीधे इनकार कर देते हैं। लेकिन एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि बच्चों को जागरूक करती है कि आखिर किस तरह से आपका कॉलेज ठीक ढंग से मिलेगा। थोड़ा सा हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जो आप बिहार में आए हैं? और मेरा नाम लकी सिंह है। लकी सिंह, आप किस तरह से आखिर सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे फंसते क्यों हैं? जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी देते हैं, असफल भी होते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन वो कॉलेज ठीक ढंग से क्यों नहीं? हम लोगों ने कोटा में भी सेमिनार किया और गोरखपुर में किया है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स में सेमिनार किए हैं। पर जो रैंक का लेवल हम लोगों ने देखा है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन का जो स्तर यहाँ पे है, जिस तरीके से बहुत अच्छी कोचिंग्स नहीं है यहाँ पे। जैसा कि कानपुर में हव है कोचिंग का, दिल्ली में कोचिंग का हव है, लखनऊ में भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, मोशन है, वाइब्रेंट है, रेजुनेंस है, उस टाइप की कोचिंग्स उस लेवल की यहाँ पे है नहीं। होंगी तो मुझे शायद जानकारी ना हो, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि पटना का बच्चा फिर कोटा, और सबसे ज़्यादा पटना कोटा ट्रेन ही मुझे लगता है बच्चों के लिए चलती है स्पेशली, और वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे 70% बच्चे यहीं के होते हैं। तो उसमें क्या है कि कोचिंग का अभाव होने के कारण भी जो बच्चों की, जैसे एक बच्चा पिछली बार आया था, कहाँ चला गया, उसकी 6000 रैंक थी। कोई बच्चा यहाँ पे, इसकी 6000 रैंक है, एक बच्चा था उसकी ऑल इंडिया रैंक 6000 थी, और 6000 ऑल इंडिया रैंक निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 10 लाख बच्चों में 6000 में अपनी पोजीशन बनाना बहुत बड़ा काम होता है, जो कि लाखों रुपए खर्चा करने। ये बच्चा है जिसकी 6000 रैंक है। बेटा कहाँ से कोचिंग किए थे आप? फिटजी से कुछ ना कोचिंग की है। बात फिटजी की नहीं है, लेकिन फिटजी में पढ़ने के बाद भी जो उन्होंने रैंक निकाली है, वो बच्चे कोटा जाने के बाद भी सोचते हैं एक बार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को। हमारा जो ऑफिस है कानपुर में, कानपुर में जो काकातो एक जगह है, वो पूरा कोचिंग हब है, तो हमारा जो ऑफिस है वो पूरा हॉस्टल है। अच्छा, मुझे तो बताइए कि आप कैसे बच्चों को समझाते हैं कि कैसे कहाँ पर आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा, ये सब कैसे समझाने का काम मैम ऐसा होता है, जैसे बच्चों का बिहार के बच्चे, आपने मुझे पहले आपका सवाल ये था कि बिहार के बच्चे कहाँ फंसते हैं। बिहार के बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि बिहार में कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी नहीं है यहाँ पे एजुकेशन में। अब ये चीज़ पब्लिक करेंगे तो गलत, मतलब गलत ना हो, या मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन ये बच्चों को पता है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। 2013-14 से मैंने स्टार्ट किया था सब चीज़ें, और मुझे बाद में चीज़ें समझ में आई, और मैं बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जितने भी बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वहाँ क्या होता है, बच्चे की मार्कशीट दे करके उसका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि जब मार्कशीट हाथ में आ जाए उस समय डिसाइड मत करिए। बच्चे का जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसे पता, जैसे मैंने अभी बोला सर से पूछा मैंने कि जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है इसको कंडक्ट करवाने का पर्पस क्या है। तो एक लाइन में अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। वो चीज़ आपसे फोर्सफुली करवाई जा रही है, तो आप किसी की देखा देखी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का पर्पस क्या है, तो मैं कम से कम उस पर 1 घंटा बोल पाऊँ, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट बच्चों के अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंजीनियरिंग वर्ड उन्होंने एक रट लिया है, एक पैकेज होता है, एक प्लेसमेंट होता है। इंजीनियरिंग कर लोगे, अभी तो इंजीनियरिंग की भीड़ लगी हुई है। हाँ, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन पैकेज तभी मिलेगा, जैसे अभी NIT पटना से 1.5 करोड़ का पैकेज गया, ये पहली बार हुआ NIT पटना के इतिहास में, लेकिन गया। तो ऐसे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें जाकर के बच्चों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उनका चेंजमेंट उनके अंदर आते हैं, वो हम देखते हैं। हमारे सामने सामने बच्चे आते हैं और जब कैंपस में जाते हैं तो 4 साल में क्या चेंजमेंट आते हैं उनके अंदर, मैंने देखा है। तो ये इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कोर्स है, पर उसको करने का एक पर्पज़ होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास हमें एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बच्चे फंसते इसीलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग केवल यहाँ पर रहता है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और मुझे एक अच्छा पैकेज मिल जाए। अब अच्छे कॉलेज की परिभाषा क्या है, ये बच्चे खुद ही नहीं बता पाएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा आप हम क्या समझाते हैं बच्चों को, हम ये समझाते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर इस समय 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 150 इंजीनियरिंग कॉलेज कर्नाटका के अंदर हैं, लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी के अंदर हैं,
बिहार के मैंने अभी बताया हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के बिहार में सरकारी कॉलेज है, लेकिन बिहार का खुद का बच्चा, बिहार का ही बच्चा उन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है। मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से भी, अगर उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन मिलता है, या किसी बच्चे को एचवीडीयू कानपुर में बायोकेमिकल मिलती है और मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको सीएस मिलती है, तब भी बच्चा खुद ही एचवीडीयू कानपुर में बायोकेमिकल लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? उसको पता है एचवीडीयू की ब्रांड वैल्यू क्या है वहाँ पे सीएस, क्योंकि सीएस का पैकेज बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन यहाँ बात ब्रांच की नहीं है, बात यह है कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जेएनयू के बच्चे यूपीएससी में अप्लाई करते हैं या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज का बच्चा यूपीएससी में अप्लाई करता है, तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी सेलेक्ट होने की सबको पता है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको मिलना चाहिए। आप अगर ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो चार साल में ऐसा क्या कराते हैं? 40 सब्जेक्ट होते हैं, IIT भी पढ़ा रहा है, IIT पटना, NIT पटना, IIIT भागलपुर, ये तीन नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं यहाँ पटना बिहार के अंदर। ये तीनों कॉलेज वही पढ़ाई करवाते हैं जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज और मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज करवा रहा है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? 40 सब्जेक्ट वहाँ भी हैं IIT में, 40 सब्जेक्ट यहाँ भी हैं, लैब्स वही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस केवल इन्वायरमेंट का है मैम। जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा IIT के अंदर, वो भागलपुर वाले प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। इवन जो लेबोरेटरी आपको जो प्रोवाइड की जाएगी IIT के अंदर, वो भागलपुर और जो एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज, यूपी में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूपी में ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IITs के अंदर जो लेबोरेटरी में सामान रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो सामान वहाँ पे लेबोरेटरी में यूज़ किया जा रहा है। बच्चों को नहीं पता, ये बात हमें पता है क्योंकि हम 2014 के बीटेक हैं, मैम 2015 की बीटेक हैं। मुझे ये जानना है कि आप बच्चों को हेल्प कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर मदद करते हैं, कहाँ पर? मैम बताइए। जैसे बच्चे जो काउंसलिंग्स कर रहे हैं, जैसे सर ने भी बताया कितने सारे कॉलेजेस हैं और कैसे कैसे क्या काउंसलिंग्स होती हैं, तो इसमें जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, जो फुल डेडिकेटेड एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है, हमारा जो चैनल है द मेंटा यूट्यूब चैनल, जो हमने 2020 में इस्टेब्लिश किया है, बनाया है, और काउंसलिंग्स में हम लोग पहले से ही लेकिन मदद करते हैं। जैसे सर बता रहे हैं कि हम 2014 के पास आउट हैं, 2013 से हम काउंसलिंग्स में बच्चों की मदद कर रहे हैं, मतलब बीटेक में हम खुद थे, हम बीटेक में सर जब खुद थे तभी से काउंसलिंग कर रहे हैं। मैंने भी बीटेक में 2015 में जो पास आउट किया, मैं भी जब काउंसलिंग्स की चीज़ों को समझ रही थी, क्योंकि एक टाइम पे जो बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी पोजीशन में मैं भी थी, सर भी थे, और हम लोग को काउंसलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे काउंसलिंग होती है। हम लोग की भी रैंक्स आई हुई थी उस टाइम पे, पेपर्स जो होते थे IIT JEE का, आपको पता होगा IIT JEE का जो पेपर होता था पहले, वो कैसे काउंसलिंग्स कराता था, और उस टाइम पे UPDU की काउंसलिंग्स होती थी, AI EEE की होती थी, जिससे हम NITs ले सकते थे। तो उस टाइम पे जो पेपर्स हमने दिए थे, काउंसलिंग्स तब कैसे होती तब नहीं पता था, आज भी बच्चों को नहीं पता है कि वो काउंसलिंग्स कैसे होती हैं। तो जो डेडिकेटेड प्रोसेस दे रहे थे, तो बच्चों को लाभ मिला है, वीडियोस देखी उन्होंने, और जिसका ये आप देख सकते हैं सामने सबूत है कि इतने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। मैम 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं इस समय, 70,000 हैं। 70,000 में जो सबसे ज़्यादा क्राउड है वो MP, बिहार और यूपी का है, और बाकी सब पूरा स्टेट इंडिया का है। मणिपुर के भी बच्चे हैं, इम्फाल के भी बच्चे हैं, दादा नगर हवेली के भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार के बच्चों के लिए जेई मेंस की परिभाषा अलग है और मणिपुर के बच्चे के लिए जेई मेंस की परिभाषा अलग है। बिहार का बच्चा अगर 300 नंबर के एग्ज़ाम में 50 नंबर लाता है तो उसको शायद कोई स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर मणिपुर का बच्चा या इम्फाल का बच्चा 300 में 50 नंबर लेके आता है तो उसको टॉप का NIT अपने स्टेट का NIT मिल जाएगा। रीज़न ये है कि बिहार के अंदर लगभग 1 लाख बच्चा पेपर देता है, NIT केवल एक है। यूपी के अंदर लगभग 1 लाख बच्चा पेपर देता है, NIT केवल एक है, और मणिपुर के अंदर 15,000 बच्चा पेपर देता है, NIT वहाँ भी एक है। तो कॉलेजेस की कमी है वहाँ, मतलब यहाँ पे कम से कम बिहार के अंदर एक NIT और यूपी के अंदर कम से कम एक NIT और होना चाहिए, या नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज को बढ़ाना चाहिए। जैसे MP के अंदर 5 नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, ISER भोपाल है, IIT इंदौर है, NIT भोपाल है, IIIT ग्वालियर है, IIIT जबलपुर, 5 इकलौता स्टेट ऐसा। मतलब है कि बिहार में और भी मतलब कॉलेज नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज की कमी है यूपी और बिहार में, और इसी वजह से बिहार के बच्चे फंसते हैं, तो उनमें क्वालिटी नहीं है, बच्चा खुद नहीं जाना चाहता वहाँ पे। चलिए, तो आपने देख लिया बिहार का जो सच, ये इन लोगों ने सामने निकाल कर लेकर आया है, कह रहे हैं कि बिहार में ही बच्चे जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं वो यहाँ नहीं पढ़ के सीधे चले जाते हैं बाहर। जैसे में कोटा आप देख ही सकते हैं कि कैसे वहाँ पे भरे पड़े हुए हैं बिहार के बच्चे, और इन लोगों का जो काम है, जो इन्होंने कहा भी कि जेई मेंस में एग्ज़ाम भले ही लोग दे देते हैं, उनके नंबर भी काफ़ी आते हैं, लेकिन काउंसलिंग में फंसते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि किस कॉलेज में हम किस आधार से जाएँ, कैसे जाएँ, और यहाँ पर ये लोग फंसते हैं। और उसी को, इसी से निजात दिलाने के लिए इन लोगों का एक ग्रुप है, और उसका ये लोग उस ग्रुप के माध्यम से उन लोगों का काउंसलिंग करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।